नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, खासतौर से जो मेकअप लवर है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जी हाँ, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेकअप रिमूवर स्पॉन्ज के बारे में। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं अपने चैनल पर मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करती हूं, और मेकअप को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छे एक स्पॉन्ज की जरूरत होती है। वैसे तो आप अपने मेकअप को मेकअप रिमूवर पैड्स जो आती हैं उनकी हेल्प से भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन मुझे ये स्पॉन्ज ना काफी ज्यादा अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू अपने चैनल पर जरूर डालू, होना चाहिए। क्योंकि मैंने इतने सारे मेकअप पैड्स के रिव्यू देखे तो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा यूज करें कौन सा ना करें। लेकिन मैंने जब ये परचेज किया तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे ये मेकअप रिमूवर पैड्स, और ये वन स्वाइप में ही बहुत अच्छे से आपकी जो आईलाइनर वगैरह होता है, मस्कारा होता है, उसे क्लीन कर देते हैं और आपकी स्किन को ये कोई नुकसान भी नहीं करते हैं, और मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। और ये माइक्रोफाइबर से बने हुए हैं तो काफी सॉफ्ट है, आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे ये। और दोस्तों, इसकी परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको और भी बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मैंने फिलहाल ये दो शेड परचेज किए, एक बेज कलर में और एक पिंक कलर में, तो ये मैंने कॉम्बो में खरीदा है। दोनों का कॉम्बो मिल रहा था और एफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा शायद आपको कॉस्टली लगे तो चेक कर लेना एक बार, क्योंकि अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग प्राइस हैं। सो दोस्तों, मैंने ये दो मेकअप रिमूवर पैड्स मंगवाए थे, इसे मैंने यूज़ कर लिया है, ओपन कर लिया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। इसमें मैंने दो पैड मंगवाए हैं, आप देख सकते हो दो मेकअप रिमूवर पैड्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और ये स्वीट ब्यूटी ब्रांड की तरफ से है, ब्यूटी टूल्स हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें मैंने दो शेड मंगवाए थे। कलर की मैं अगर बात करूँ तो मैंने एक ये बेज कलर में ही परचेज किया है और एक मैंने ये पिंक कलर में परचेज किया। पैकेजिंग अच्छी है इसकी इतने प्राइस में। इसकी परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चेक कर लीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट है, अगर आपने अपने फेस पर ब्लीच लगाई है, कोई फेस पैक लगाया है, या फिर आप अपना मेकअप भी इससे रिमूव कर सकते हैं। ये जो स्पॉन्ज है ना, मतलब आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, और इसके हेल्प से ना मैं आपको बताऊं कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप आसानी से लगा सकते हैं। मैंने तो लगा लिया था भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इमरजेंसी में बहुत काम आने वाला है। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट लगाने के लिए कुछ नहीं है स्पॉन्ज वगैरह, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और बस सफाई का आपने इसे ध्यान रखना होगा, जब भी आप इसे यूज़ करें तो अच्छे से हैंड वॉश की हेल्प से आप इसे वॉश कर धूप में सुखाएं, तभी इसे रखें, वरना इसमें बैक्टीरिया हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मेकअप इसने मिनटों में रिमूव कर दिया था। मुझे ये पैड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं दोस्तों। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन मेकअप रिमूवर पैड्स की हेल्प से आप मिनटों में अपने मेकअप को साफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का मिसेलर वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मेकअप रिमूवर यानी कि मिसेलर वाटर यूज़ कर सकते हो। बस इस तरीके से इन पैड्स पर डाल लीजिए और अच्छे से अपने मेकअप को मिनटों में साफ कर लीजिए। ये वाटर प्रूफ मेकअप हो या चाहे कोई सा भी मेकअप किया हो आपने, अच्छे से आपके मेकअप को क्लीन कर देता है। जो कॉटन पैड्स होते हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, बट क्या होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी फिनिश हो जाते हैं, और मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं बार बार खरीदारी करूँ, तो मैंने इसीलिए ये वाले पैड्स परचेज किए हैं। और बस आपने इनकी सफाई का अच्छे से ध्यान रखना होता है, वरना आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे, तो अगर आप इसकी सफाई नहीं रखेंगे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये देखिए, इसने अच्छे से मेकअप को रिमूव कर दिया है, और बाकी का जो थोड़ा बहुत आई मेकअप अगर आपने किया है ना, तो आप उसे क्यूटिप की हेल्प से यानी कि ईयरबड की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि ना काफ़ी बार जल्दबाजी में भी होते हैं तो मतलब कॉटन नहीं मिलती है टाइम पर, या कॉटन पैड्स इधर उधर रख के भूल जाते हैं, तो ऐसे में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके मेकअप को रिमूव करने में। और साथ ही मैं बता दूं कि इसमें जैसे कि आप ब्लीच वगैरह लगाते हैं, कोई फेस पैक लगाते हैं, फेस मास्क लगाया, कुछ भी अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगे आपकी स्किन पर, काफ़ी सॉफ्टली आपके मेकअप को ये अच्छे से रिमूव कर देते हैं, और वो भी बिना किसी नुकसान के। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि अगर आप नहाते टाइम भी इसे यूज़ करते हैं यू नो इस तरीके से स्क्रब की तरह, तो ये उसमें भी काफ़ी मतलब अच्छे से आपकी स्किन में जितने भी गंदगी होती है, मैल होता है, उसे निकाल देता है। और आपने इसकी सफाई का भी ध्यान रखना है, इसे अच्छे से किसी डेटोल हैंड वॉश की हेल्प से यानी किसी भी अच्छे हैंड वॉश से आप इसे क्लीन कर धूप में सुखाइएगा, ताकि इसमें बैक्टीरिया ना पनपे, वरना इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस मेकअप स्पॉन्ज से ना आप बच्चे के लिए भी मतलब इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं, छोटे बेबी को नहला रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से मतलब करते हैं ना, बहुत अच्छे से मसाज सी महसूस होती है और अच्छा लगता है, और काफ़ी हद तक कि आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी है उसे भी क्लीन करता है, तो अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि जो कॉटन के रोए से होते हैं ना, वो आँखों में जाने का डर रहता है, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता था, तो इसीलिए मैंने ये मेकअप रिमूवर पैड्स जो है परचेज किए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं दोस्तों। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, चेक कर लीजिएगा। और आई होप दोस्तों की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में जो बेल बटन से प्रेस कर देना। मैं मिलती रहूंगी आपसे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।